Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari हरि वो गौर ब्रह्मानंद जी हरि हरि ओम ज्ञान तमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमोऽवदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा मित्रिला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री माध भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। जगन्नाथपुरी आते आते उन्होंने श्री लिंगराज मंदिर को भी दर्शन किया और उनको जाकर के महाप्रभु ने पूजा अर्चना की। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कहते शंकर जी को उन्होंने किस भाव से किया है, बोले शंकर जी भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त है, इनका कृपा अगर हो हमें भगवान की भक्ति मिलेगा। इसलिए शंकर जी को कभी भी स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि में पूजा नहीं करनी चाहिए। विशेष करके जो शंकर के जो ज्यादा भक्त लोग होते हैं ना, वो बहुत अखड़ होते हैं, कहते शंकर ही भगवान है, हैं? क्योंकि शंकर जी ने तो कृष्ण शंकर जी को पूजा किया है, भगवान भी तो रामेश्वर पूजा किया ना, राम की पूजा किया, और कृष्ण भी जब उनका एक पत्नी की संतान नहीं हुआ तब उन्हें शंकर जी को उपासना की,
और शंकर जब संतुष्ट हो गए, बोले क्या मांगते हो? बोले मेरी सब रानियों का तो पास में पत्नी है, लेकिन एक रानी के पास में पत्नी नहीं। अब आशीर्वाद करो पत्नी को। शंकर जी कृष्ण का आशीर्वाद, तुम्हारे बेटा रहेगा। और शंकर जी की कृपा से कृष्ण को बेटा हुए, इसलिए ईश्वर बन हो गए, शंकर हो गए। क्योंकि शंकर जी भगवान कृष्ण को वरदान दिया, कृष्ण शंकर जी की पूजा की है। तब श्री सिद्धांत रत्न एक ग्रंथ है, तो वहाँ पर श्री श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं, हैं कि यहाँ पर कृष्ण ने क्या शिक्षा दिया। बोले देखो, जिनको बेटा बेटी स्त्री पुत्र परिवार धाम दौलत चाहिए ना, सब शंकर जी को पास मिला। और जिसको मेरे चरण जिसको चाहिए, मेरे भक्ति जिसको, मेरे को प्रेम जिसको चाहिए, और जो मेरे धाम को आना चाहते हैं, जहाँ जाने पर फिर जीव जगत में दोबारा नहीं आएगा आपको मेरे वजन कर। और जिनको ये संसार की माया के चक्कर में पड़ना है, बेटा 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 नहीं, ऐसे बेटा हुआ बेटा बात नहीं सुनता, और शादी को बाद में तो पत्नी ने पता नहीं एक रात में क्या मंत्र दिया और दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब है। इसलिए पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा दिया, पैसा को लेकर भाई भाई में बहू और लड़ाई, फिर कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा फिर शुरू हो जाएगा है। इसलिए ये जो संसार की वस्तु है, ये दुखदायी वस्तु है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण वो कहते शिक्षा देते हैं, जिनको ये दुनियादारी वस्तु चाहिए ना, सब शंकर जी के पास में जाओ और इस संसार के चक्कर में भटकते रहो, लेकिन जो शाश्वत शांति परम आनंद जो चाहते हैं मेरे पास में। बोले कृष्ण भी तो रामेश्वर को पूजा किया है। बोले फिर कृष्ण रामेश्वर को फिर पूजा क्यों किया? बोले यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर कृष्ण राम अगर रामेश्वर को पूजा नहीं करते ना, अभी दुनिया में शंकर को पूजने वाले कोई नहीं, कोई शंकर जी को पूजा पूजा नहीं करता। चूंकि भगवान राम ने किया था, इसलिए दुनिया कहते प्रभु राम ने जब किया है, इसलिए शंकर जी को हमें पूजा करनी चाहिए। और भगवान की एक विशेष गुण है, क्या गुण है? भगवान विशेष करके अपना भक्तों को इज्जत देते हैं। बोले मत भक्ता पूजाभ्याधिक सर्वभूते सुमन्वति, भगवान कहते हैं मेरे से मेरे भक्तों का पूजा श्रेष्ठ है। इसलिए भक्त सेवा को भगवान आदर करते हैं, इसलिए जगत में भगवान भक्त पूजा को श्रेष्ठ करना चाहते हैं। इसलिए जगत में शंकर जी को अभी जगत में कुछ लोग पूजा करते हुए मिलते हैं, नहीं तो कोई जगत में पूजा ही नहीं करते। इसलिए भगवान स्वयं होते हुए भी उन्होंने श्री लिंगराज मंदिर जी को, कोटि शिवलिंग को उन्होंने दर्शन किया, उनको प्रणाम किया और भगवान ने उनकी पूजा की है। पूजा करते हुए आए कहाँ पुरी, जब पुरी आते हुए अठर नला देखा अठर नला, जब अठर नला में आते ना, वहीं से जगन्नाथ जी का ध्वजा दिखता है, पताका दिखता है। अरे पताका को देख लिया महाप्रभु, महाप्रभु पताका को देख करके एकदम भाव विभोर हो गए महाप्रभु। हैं जो झंडा है ना, देखना हर्ष में बुलाता है सबका, आओ 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 मेरे पास में आओ। इसलिए जो झंडा है ये भगवान की प्रतीक, इसलिए कहते झंडा विजय का चिन्ह है। झंडा को देख करके उन्होंने भगवान का दर्शन करने का, जैसे हमें फल मिला महाप्रभु का शरीर में सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लग गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं उसी समय महाप्रभु के साथ में सारे भक्त लोग आ रहे थे, तो यहाँ पर महाप्रभु की अच्छी बात कहते हैं। प्रभु बोले न भल काज करिले बंधु काज, देखा इला आनी जगन्नाथ महाराज, तुम लोग ने एक अच्छा काम किया। बोले क्या किया? बोले तुम्हें देखा इला आनी जगन्नाथ महाराज, हमें जगन्नाथ जी को दर्शन कर दिया। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु शिक्षा देते हैं, जगत में तो बहुत बंधु है, जगत में बहुत बंधु क्या करने वाले, सिगरेट फूकने वाले, शराब पिलाने वाले, जुआ खेलने वाले, लड़कियों को पीछे भगाने वाले, चोरी कराने वाले हैं। जगत में बहुत सारे बंधु है कि नहीं? जगत में बहुत सारे बंधु जो कि ये सब चीज सिखा दे। लेकिन भागवत में ऋषभ देव क्या कहते हैं, गुरु न सस्यात स्वजननी न सस्यात पिता न सस्यात स्वजननी न सस्यात दैवम न तत्सारणम न पतिम सस्यात नमोचयत जहां समपेत मृत्यु। यहाँ पर
श्री ऋषभ देव अपना बच्चों को कह रहे हैं, बोले पिता कौन है? सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जी परम भक्त पिता, इसको याद कर लेना। अब भैया को सुनाना, बोले देखो भागवत क्या कहता है, बोले वही माता माता है, वही पिता पिता है, कौन है? सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जयी प्रेम भक्ति दाता। अगर हमें कृष्ण चरण में ये भगवान की प्रेम को दे सकते हैं, भगवान की भक्ति के मार्ग में अगर वो चला सकते हैं, तभी वो पिता और माता हैं। इसलिए कहते वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो मैया मैया नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो देवता देवता नहीं, उनको पूजा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं। अगर हमें भगवान के चरण में अगर हमें भक्ति नहीं दे सकते, संसार सागर से अगर हम पार कराने का परामर्श नहीं देते हैं, वो हमारे कुछ नहीं। इसलिए मेरा श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके प्रिय ना राम वैदेही तेजी अब कोटि बहिर समझते भी बड़ मसल है। समझ रहे कि नहीं? जिनके प्रिय ना राम वैदेही, मतलब जिनका प्रिय राम और सीता नहीं है, तेजी अब कोटि बहिर सम, उसको करोड़ों शत्रु मान करके त्याग दो। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि हमारे परम स्नेह की पात्र हो है, जगत का भाई बंधु पुत्र परिवार कितने प्यारे हैं, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में हमें मदद नहीं करते हैं, संसार में डुबाने के लिए कोशिश करते हैं, कहते तेजी और कोटि भैर सम, उसको करोड़ों शत्रु मान कर छोड़ दो उसको, नहीं तो सुजनाक्ष दस्यु। सुजन कौन है? वो डाकू है। डाकू क्या करते हैं? सारे धन तब लूट लेते हैं, सारे धन तब लोग लूट लेते हैं, नहीं तो हमारे सारे एनर्जी को लूट पाट करके जो खाली हो जाएगा, लात मार के जा हो गया, भगा देंगे। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं, अपना जो दोस्त थे ना महाप्रभु के साथ में जो भक्त लोग आ रहे थे, बोले तुम लोग ना सचमुच से बड़े मेरे मित्र हो। बोले क्यों? कारण है, बोले कल देखा इला आनी जगन्नाथ महाराज, तुम लोगों ने मुझे ला करके जगन्नाथ जी को दर्शन करवाया, इसलिए तुम्हारे सही तुम लोगों ने मेरे मित्र हैं। महाप्रभु ने कहा देखो तुम लोग बड़े गड़बड़ करते हो मेरे साथ, डंड फंड मेरे तो उठाट दिया, इसलिए महाप्रभु का कुछ लीला करना है। बोले पहले तुम लोग जाना, तुम लोग जाओ, नहीं तो मैं जाऊंगा, मेरे साथ में कोई नहीं आएगा, मेरे पीछे पीछे आना, नहीं तो तुम लोग पहले जाओ, नहीं तो मैं पहले जाऊंगा, बताओ। बोले प्रभु आप ही आगे जाओ, आप ही पहले जाओ, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम यहाँ कह रहे हैं, बोले मत सिंह गति जिनी चलिला सत्वर प्रविष्ट हैला आसी पुरी रा भीतर, जैसे मतवाला जैसे शेर जैसे चलते हैं और जैसे हाथी जैसे चलती हैं, ऐसे महाप्रभु एकदम है एकदम महाप्रभु चलते चलते आए और कहाँ पर उन्होंने से जगन्नाथपुरी के अंदर में प्रवेश किया है। लेकिन जब उन्होंने आए श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आए, अभी भगवत इच्छा से श्री सार्वभौम वराचार्य जो वहीं पर उपस्थित थे वहीं पर हैं, जब महाप्रभु ने ठाकुर का दर्शन किया, ठाकुर का दर्शन करते ही महाप्रभु तो आनंद में लाभ हैं, उन्होंने सोचे उनको क्या जगन्नाथ जी को किस रूप में देखे। हम लोग तो जगन्नाथ जी को देखते हैं बड़े बड़े आंखें, हाथ नहीं, मुंह नहीं, पैर नहीं, ये क्या रूप है, हैं ये क्या ठाकुर जी। लेकिन महाप्रभु किस रूप में देखते हैं? बोले कदाचित कालिन तट विपिन संगीत तरल मुदा विरिनारी बदन कमल आस्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कहते कदाचित, कभी कभी कृष्ण जब कभी वृंदावन में जब जमुना किनारे में भगवान क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, विचरण करते करते हाँ उस समय में कहते कृष्ण का मुख कैसे मुखारविंद कैसे, बोले मुख कमल। इसलिए यहाँ पर बोले प्रभु बोले देखो प्रासादर अग्र मूले हासन हमारे देखी श्री बाल गोपाले। महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करे क्या कह रहे हैं, कहते देखो बोले क्या है, कहते जो झंडा है ना महाप्रभु झंडा को देख कर कह रहे हैं कैसे हम मेरे को देख करके जो बाल गोपाल प्रभु हंस रहे हैं,
इसलिए जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखे, जैसे वृंदावन में जैसे जगन्नाथ जी का मुख कमल है, गोपियां कैसे जैसे मधुमक्खी हैं, जैसे मधुमक्खी कमल ऊपर बैठ करके मधुओं का आहरण करते हैं, उसी तरह भगवान की जो मुख है कमल है, एकदम कमल कमल जैसे जगन्नाथ जी। महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखे प्रभुजे सर्व वेणु सिरसी सिकिमुच हाथ में कृष्ण बंसरी बजा रहे हैं, सर पर मोर पंख है, त्रिभंग ललित रूप में कृष्ण खड़े हुए कदम वृक्ष के नीचे और कृष्ण बुला रहे आ जा मेरे पास में आ जा। ए महाप्रभु देखी, ए छलांग लगाई जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए, एकदम जो छलांग लगाई, और वहीं पर जो पंडित लोग थे हैं, वहां पर जो पंडित लोग थे, पंडित लोगों ने वहां पर देख करके परिहारी लोग देख करके हाँ अरे कहां से एक सन्यासी आ गया और जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए छलांग लगा रहे हैं। अभी जैसे जगन्नाथ जी को कितना दूर से दर्शन होता है, दूर से, लेकिन कभी कभी उसको क्या दर्शन कहते हैं, साहण मेला, कभी कभी बताए ना पूरा खोल देते हैं और जगन्नाथ जी को पास में सबके सब चले जाते हैं, हैं? इसलिए वहां प्रभु जब उनको पकड़ने के लिए गए, पंडित लोग बोले कहां से सन्यासी आ गया, जगन्नाथ जी को पकड़ने जा रहे हैं, हर महाप्रभु तो वहीं पर बेहस हो गए। जब बेहस हो गए पंडित लोग हैं, पंडित लोग तो देख करके बड़े बिगड़ गए और मारना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य थे, लेकिन ये महाप्रभु की इच्छा है, उन्होंने महाप्रभु का शरीर में उन्होंने प्रेम को विकार को देखा है, श्वेत कंप अश्रु फुलग वैवर्ण विभतु है किलकिचित कुट्टायत मुट्टायत दीप उन्माद, ये सब भाव महाप्रभु का शरीर में उन्होंने देखा। सार्वभौम भट्टाचार्य तो बहुत बड़े विद्वान, कौन है सार्वभौम भट्टाचार्य, कौन है बृहस्पति है, ये बृहस्पति स्वर्ग के देवताओं का टीचर है, साधारण नहीं, बृहस्पति और सन्यासी को, बड़े बड़े सन्यासी को मंत्र देने वाले उनको, दीक्षा मंत्र देने वाले उनको, ये बहुत बड़े विद्वान उस समय, इसलिए उनका नाम सार्वभौम। सार्वभौम मतलब क्या, सारे भूमियों में सर्वश्रेष्ठ जो विद्वान थे, सर्वश्रेष्ठ ये विद्वान थे, उनने शास्त्र में पढ़ा था अगर किसको शरीर में कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाए ना, उसको शरीर में ये सब भाव प्रकट होता है, उन्होंने सुना था लेकिन जिंदगी में कभी देखा नहीं। जिंदगी में उन्होंने पहला बार उन्होंने श्री महाप्रभु को शरीर में ये दिव्य उन्माद संजल्प अभिजल्प प्रजल्प विजल्प है ये जो भाव है, ये सब भाव को उन्होंने दर्शन किया है। दर्शन करके कहते ये कहते बाबा ये कौन है, हैं ये लगता है तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई साधारण व्यक्ति को शरीर में तो पढ़ा था, मैंने जीवन में पहला बार देख रहा हूँ। बोले कि आनंद मग्न हैल वैकुंठ ईश्वर वेदेव ये सब तत्व जानीते दुष्कर, यहाँ कह रहे हैं कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं कृष्ण प्रेम में कृष्ण स्वयं यहाँ पर डूबे हुए हैं, इसलिए कहते महाप्रभु का शरीर में जो भाव प्रकट हो रहा था, कहते वेदेव ये सब तत्व जानीते दुष्कर, कहते वेद भी ये सब चीज को ढूंढ ढूंढ करके वेद को भी नहीं मिलेगा, वेद पढ़ोगे तो वेद में ये सब चीज नहीं मिलेगी, हैं राधा रानी के शरीर में जो दिव्य भाव है ये वेद में भी नहीं मिलेगा, आप नहीं उपासक हई करे भक्ति अते वके बुझे ईश्वर शक्ति, कहते आप नहीं उपासक हई या करे भक्ति, कृष्ण स्वयं अभी स्वयं उपासक बन गए हैं, स्वयं कृष्ण जिसको विश्व ब्रह्मांड उपासना करते हैं वो स्वयं अभी उपासक बन करके क्या कर रहे हैं, स्वयं को भक्ति कर रहे हैं और स्वयं को स्वयं भक्ति में स्वयं बेहोश होकर पड़े हुए, इसलिए ये तो उसका ईश्वर का उनको समझने के लिए किसका शक्ति है, हैं? इसलिए महाप्रभु अभी भक्ति रस में अभी शराब हो रहे हैं, लेकिन अभी महाप्रभु तो बेहोश होकर गिर पड़े लेकिन महाप्रभु का होश ही नहीं आ रहा, तो वहां सार्वभौम भट्टाचार्य थे हैं, वो तो पुरोहित ही है इसलिए साधारण नहीं, उनके आदेश में सारे काम होता था, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ लोगों को बोले इसको पकड़ लो, पकड़ करके मेरे घर में ले चलो, हैं मेरे घर में ले चलो, और महाप्रभु कितने कैसे लंबे चौड़े अजान लंबे तो पूजो कनका बदा तो संकीर्तन करो कमला, महाप्रभु का अजान लंबे तो पूजो
दिब्बा कलेवरा मंडित मुंड महाप्रभु अद्भुत दिब्बा रूप है। और महाप्रभु को जब पकड़ लिया ना, कैसे लग रहा है जानते हो? जैसे कोई मीठा हो ना, जैसे बहुत सारी चिट्ठी मिल जाती है, चिट्ठी मिल करके पकड़ कर ले जाते हैं ना, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारी चिट्ठियां मिल करके महाप्रभु ले जा रहे हैं। अभी महाप्रभु के साथ में जो भक्त लोग थे वो पीछे पीछे आ रहे थे, जो पीछे पीछे आ रहे थे उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। देखा महाप्रभु को बहुत सारे लोग चिट्ठी जैसे पकड़ करके महाप्रभु को ले जा रही, तो उन लोगों ने पूछा ये क्या है। बोले पता नहीं ये कहाँ से संन्यास से आ गया था और ये जगन्नाथ को पकड़ने जा रहा था, वहीं पर बेहोश हो गए, अब इनका होश नहीं आ रहा है, हम इनको श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में इसको ले जा रहे। बोले ये हमारी बंधु, ये हमारी प्रभु है, इसलिए जितने सारे भक्त लोग थे उनने सबके सब लेकर के सार्वभौम भट्टाचार्य यहाँ पर जहाँ पर सार्वभौम जी का घर है वहीं पर महाप्रभु को ले गए। जब महाप्रभु को वहीं पर ले गए फिर थोड़ी देर बाद में महाप्रभु का होश आया। महाप्रभु का होश आया तो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जो कह रहे हैं मैं जो पुरी आया था, इसलिए मैंने पुरी आया था आपसे मिलने के लिए आया, हमारा यही उद्देश्य था, अच्छा हुआ आपसे हमने मिल लिया है, आपसे हमने मिल लिया। इसलिए तब इतने में महा श्री सार्वभौम भट्टाचार्य उनका जो संगी लोग अभी वो जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं किए, तो महाप्रभु ने बोले ठीक है तुम लोग जाओ जगन्नाथ दर्शन किया है, इसलिए नियम होता है धाम में आने पर सब कुछ कुछ भी करने पहले कहीं जाने पहले क्या करनी चाहिए, पहले अगर कोई बाहर से आए हैं जगन्नाथ धाम पुरी में सबसे पहले जगन्नाथ जी को तक दर्शन करो, ये नियम यही है, क्योंकि यहाँ के जो ठाकुर है श्री जगन्नाथ जी सबसे पहला कर्तव्य उनको दर्शन करो है, दर्शन करो। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य बोले दर्शन नहीं किया, बोले नहीं, बोले जाओ सबके सब जा करके से जगन्नाथ जी को दर्शन करके आओ। बोले देखो ये तुम्हारी गोसाई जैसे पागलपन किया ना, छलांग लगाया जगन्नाथ जी को, ऐसे मत किया करना, उनको मना किया ऐसे पागलपन मत करना, जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए खुद छलांग लगा दे, ऐसे नहीं करना। बोले नहीं ऐसे नहीं करेंगे। फिर महाप्रभु बोले मैं भी और कभी नहीं जाऊंगा ठाकुर जी के पास में, मैं जब दर्शन करूंगा वहां जो गरुड़ स्तंभ है गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के मैं दर्शन करूंगा। इसलिए महाप्रभु जब जाते थे गरुड़ स्तंभ से आगे नहीं जाते, इसलिए हम लोगों को शिक्षा दिया है हम लोगों को भी एकदम पास में ज्यादा नहीं जानी चाहिए, ज्यादा पास में जाने पर ना जगन्नाथ जी का रूप देख करके हाथ नहीं अंगुल नहीं ये किया, अभी तो हम लोगों को पता है जगन्नाथ जी का ये रूप क्यों है, जगन्नाथ जी ऐसे रूप क्यों धारण किया हमें पता है, क्यों स्वयं कृष्ण राधा जी की प्रेम चमत्कारिता को देख करके स्वयं कृष्ण ब्रज कथा को सुनते 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 प्रेम में द्रवीभूत होकर के जगन्नाथ जी ये प्रेममय विग्रह है। जगन्नाथ जी कहती है राधा विधुरा, ये कौन है राधा विधुरा, कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है राधा रानी, कहते ये कहते जो जो कहते जगन्नाथ जी ये किस किसको खुंजर किस लिए ऐसे हुए हैं, बोले श्री राधा रानी की प्रेम से ऐसे हुए, राधा विधुरा है, हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी को देख कर हमें अच्छी लगती है, हैं, कितने सुंदर है। लेकिन जहाँ पर जो जो जगन्नाथ जी को देखे नहीं ना, बड़ौत में क्या हुआ, बड़ौत में एक बार क्या हुआ, वहां किसी दुकान में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इतने छोटे छोटे थे, इतने छोटे छोटे थे कि किसी भक्त ने यहाँ आकर के जो हमारे मंदिर का भक्त था खरीद करके ले गए और वो अपना दुकान में लगा दिया, और उधर के कोई एक व्यक्ति आए ये कौन सा डाकू है, इनके के कोई आंख नहीं है मुंह नहीं है हाथ नहीं कुछ नहीं, भैया ये कौन सा ये मंदिर में रख दिया, ये कौन सा ठाकुर का तुमने रख दिया है, बोले ये जगन्नाथपुरी का ठाकुर, बोले जगन्नाथपुरी से ऐसे ठाकुर होते हैं, बोला हाँ ऐसे ही ठाकुर जगन्नाथपुरी में होते हैं, इसलिए ये प्रेममय ठाकुर, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु बोले और मैं पास में ये नहीं जाऊंगा गरुड़ को पीछे से दर्शन करूंगा, क्योंकि जितना नजदीक जाओगे ना, हैं, एक समय में गया था जगन्नाथ मंदिर में कोई बंगाल से आए, वो बड़ी जगन्नाथ की महिमा सुन करके आए, हे जगन्नाथ मंदिर विशाल वहां पर ही होता, वो जो जगन्नाथ जी आए
ठाकुर जी को पास में गया और हाथ में अंगुल नहीं, आंख नहीं, प्यार नहीं, बोले ये क्या ठाकुर, ये से ठाकुर होते हैं? हाँ, ये तो बड़ा अद्भुत ठाकुर है। इसलिए ठाकुर जी को धाम है ना, ठाकुर जी को आंखों से नहीं देखो, उसको कानों से देखो। ठाकुर जी को कानों से देखनी चाहिए, ठाकुर जी ऐसे रूप क्यों हुए हैं, क्यों हुए हैं। इसलिए महाप्रभु बोले अभी से मैं गरुड़ का पीछे से ही ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। बोले क्यों? बोले जब तक गरुड़ भगवान की भक्त है, जब तक भक्तों की कृपा नहीं होना तब तक ठाकुर का दर्शन हमें नहीं मिलता। इसलिए महाप्रभु वहां पर, अभी महाप्रभु का अंगुल, तीन अंगुल का चिन्ह है, महाप्रभु दीवाल में इसे अंगुल रख करके दर्शन किया तो उनका हाथ अंदर में चला गया, तीन अंगुल का चिन्ह। जहां पर खड़े होकर दर्शन कर रहे थे एकदम पत्थर पिघल गया, बाद में उसी पत्थर को उठा करके सामने जो मंदिर में उनको स्थापन की गई है, है? स्थापन की गई। इसलिए बोले और हम अंदर महाप्रभु में और अंदर नहीं जाऊ, अभी गरुड़ का पीछे से ही दर्शन करूंगा। इसलिए उसको बाद में महाप्रभु कभी अंदर में नहीं जाते थे, गरुड़ का पीछे से ठाकुर जी को वहीं से प्रणाम, वहीं से दर्शन करते थे दूर से ठाकुर जी को। और भक्तों का अनुगत्य में ही भगवत दर्शन होता है, अपने आप इन्हीं जड़ आंखों से नेत्रों से हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए गरुड़ जी से प्रार्थना करनी चाहिए, गरुड़ जी आप तो भगवान की परम भक्त हैं, आप हम सभी को ऊपर में कृपा करो जैसे हम ठाकुर को दर्शन कर पाए। ठाकुर को दर्शन नहीं करेंगे, ठाकुर जी का कृपा दृष्टि करो प्रभु, जगत रे प्रति जागरूक हृदय मरा सुमंगला रहती। हम ठाकुर का दर्शन नहीं करेंगे, ठाकुर जी की कृपा दृष्टि जैसे हमारे ऊपर पड़ेगा तो हमारी मंगल होगा। इसलिए महाप्रभु करके फिर उन्होंने फिर जगन्नाथ मंदिर से उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगाया, जगन्नाथ जी का कल भी यहाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का चावल दाल हाँ कानिका और वहाँ का जो खीर रसावली और पनीर का सब्जी महुर बेसर साग और चटनी है, चटनी वहाँ से मालपुआ और वहाँ से जगन्नाथ जी की वहाँ प्रसाद मंगाए, घी घी अन्ना खिचड़ा अन्ना, मुँह से पानी नहीं आनी चाहिए था। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से उन्होंने सर्व भट्टाचार्य ना वहाँ के पुरोहित थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं, वहाँ से जगन्नाथ जी की प्रसाद मंगाए और महाप्रभु जी वहाँ पर प्रसाद पाने के लिए बैठे। बोले महाप्रसाद की नियम है, जब प्रसाद पाने के लिए बैठो ना और बैठे खाना शुरू मत करो, अरे दाल भात लगेगा ऐसे नहीं, नियम है प्रसाद पाने से पहले प्रसाद को प्रणाम करो, अब प्रसाद का जय ध्वनि दो, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सल्प पुन्नंग बतांग राजन विश्वास नैव जायते है। इस श्लोक को पढ़ करके कहते ब्रह्मा सी भी पांचेता जहा आजी भोग हवेता, और एक महाप्रसाद का वंदना उसमें कहते ब्रह्मा सी भी पांचे जहा, जगन्नाथ जी का प्रसाद को कौन कौन इच्छा करते हैं, ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी ये लोग भी जगन्नाथ जी। अब जगन्नाथ जी के मंदिर में अब देखना, जब जगन्नाथ जी को प्रसाद भोग लगता है ना, अब देखना एक बूढ़ा व्यक्ति है, अब देखना कभी वहां पर देखना इतना बड़ा झांप है उसका हाथ, इतना बड़ा है, और बजाते वो झां 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 करते करते पूरा जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ में घूमता है। बोले क्यों? बोले जगन्नाथ जी के मंदिर में चारों तरफ में 33 करोड़ देवता बैठे हुए केवल जगन्नाथ जी के प्रसाद का लोभ से, इसलिए झाँप बजा बजा करके सबको निमंत्रण दे देता है। ठाकुर जी को भोग लग गया है, जगन्नाथ जी प्रसाद पा रहे हैं, इसलिए हे जितने 33 करोड़ देवताएं सबके सब आओ, झाँप बजाए सबके सब आ जाओ भगवान की प्रसाद पाओ। इसलिए 33 करोड़ देवता आकर के वहां पर जगन्नाथ जी के प्रसाद को सेवा करते हैं। इसलिए नियम है जब प्रसाद सेवा करे ऐसे बैठ करके प्रसाद नहीं पाना चाहिए, सबसे पहले महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मणे वैष्णव ये मंत्र को बोल करके फिर महाप्रसाद को प्रणाम करते हुए आदर पूर्वक हे महाप्रसाद आप कृपा करो जैसे प्रसाद सेवा करता है सकल प्रपंच जय। प्रसाद सेवा करने से हमारी जितनी जो माया है हैं इसको हम जय कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु प्रसाद, महाप्रभु क्या बोलते हैं देखो, जो भक्त लोग का है ना जितने मालपुआ
मीठा चावल, पुष्पान्न, छेना बड़ी और जितने बढ़िया बढ़िया सब भक्तों को मिला। और मेरे को ना लाफड़ा व्यंजन, लाफड़ा समझते हैं, इसलिए मेरे को क्या करो, मेरे को लाफड़ा है, लाफड़ा नहीं लाफड़ा, इसको कहते हैं लाफड़ा, इसलिए मेरे को लाफड़ा व्यंजन दो, मेरे को क्या बोलो अन्न और मिक्स भेज। जैसे जगन्नाथ जी का कानिका बेसर होता है, सारे सब्जी मिलकर के जो एक जो गड्ढे सब्जी, जिसको हिंदी में गड्ढे सब्जी कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं मेरे को केवल चावल और ये गड्ढे का सब्जी दो है, इसलिए हमें और जो भक्त लोग है ना इनको बढ़िया बढ़िया खिला। देखो महाप्रभु कैसे कैसे भक्तों को प्रेम करते, स्नेह करते थे है, हर समय महाप्रभु भक्तों को बड़े प्रेम से बड़े प्रीति से भोजन कराया करते थे। बोले क्यों, तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उनको तो सबसे बढ़िया चीज मिलनी चाहिए, उनको सबसे बढ़िया चीज। देखो जगन्नाथ का प्रसाद अभी पुरी से बाहर जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन हमारे कई करी दो चार दिन बाद में एक एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद आ रहे, और हम बैठ बैठ के चकाचक जगन्नाथ जी की प्रसाद को हम सेवा कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु ने पार्षद नहीं तो भक्त, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु को सोने की थाला में है, सोने की थाला में महाप्रभु को प्रसाद दिया। यहाँ पर कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए ऐसे बुद्धि किसकी हो सकता है, किसकी हो सकता है, पहले जब तक महाप्रभु का भक्त नहीं होना, महाप्रभु का कृपा जिसको ऊपर नहीं हो, महाप्रभु कभी उनका हाथ का वस्तु खा ही नहीं सकते, और उस व्यक्ति का कभी ऐसे बुद्धि भी नहीं होगा। कोई एक व्यक्ति व्यक्ति आए अनजान व्यक्ति हो, आप उसको घर में ले जाओगे, और उनको अकेले नहीं, उनका पूरा परिकरों को ले गए, और जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगा कर सबको प्रसाद दे रहे, ये कोई हो सकता है अनजान, नहीं। यहाँ कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कहते ये जन्म जन्म में महाप्रभु का पार्षद है, परिकर है, तभी ऐसे भाग्य व ऐसे बुद्धि सब महाप्रभु का भक्तों को उन्होंने सेवा कराई, ठीक है। इसलिए कल हम लोग श्रवण करेंगे महाप्रभु कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को षड्भुज रूप में दर्शन देते हैं। प्रभंशाकल्प दुर्भस्य कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।